हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक कास्टिंग प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 50 में टाइप्स ऑफ कास्टिंग ऑपरेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि कितने टाइप के प्रोसेस हम लोग करते हैं। उसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स के कास्टिंग के बारे में डिस्कशन किया था। हम लोगों ने वहाँ पर अपने सैंड कास्टिंग को कम्प्लीट किया था, सेल मोल्ड कास्टिंग को कम्प्लीट किया था और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को कम्प्लीट किया था। अब चलिए हम लोग उसके आगे अपना टॉपिक डाई कास्टिंग स्टार्ट करते हैं। डाई कास्टिंग में भी हम लोग ग्रेविटी डाई कास्टिंग और प्रेशर डाई कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डाई कास्टिंग ऑपरेशन। तो देखिए, डाई कास्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक मेटेलिक डाई का उपयोग करते हैं जिसमें हम मोल्टन मेटल को पोर करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें ऐसे डाई कास्टिंग प्रोसेस की, मान लीजिए हम लोग डाई कास्टिंग प्रोसेस की बात करें, तो जैसे इसके पहले हम लोग सैंड का उपयोग करते थे मोल्डिंग बॉक्स बनाने के लिए, तो यहाँ पर मेटैलिक डाई का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से मेटैलिक डाई आर यूज्ड, मेटैलिक डाई आर यूज फॉर मेकिंग मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी बनाने के लिए हम लोग मेटैलिक डाई का उपयोग करते हैं, फॉर मेकिंग मोल्ड कैविटी। अब मेटैलिक डाई में किस मटेरियल का उपयोग करते हैं, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे हम लोग टूल स्टील होता है, सिंपल सा हम लोग या तो टूल स्टील का उपयोग कर लेते हैं या फिर हम लोग स्टील का उपयोग कर लेते हैं अपनी मेटैलिक डाई को बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं डाई स्टील, टूल स्टील या कंपोजिट स्टील का भी उपयोग कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें डाई मटेरियल की, डाई मटेरियल, तो डाई जो हमारी बनती है वो हम लोग किसकी किसकी बनाते हैं, देखिए टूल मटेरियल, ऐसे टूल स्टील कॉमा डाई स्टील एंड कंपोजिट स्टील। देखिए, जो स्टील हम लोग टूल बनाने के लिए उपयोग करते हैं, लाइक दैट हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाई कार्बन स्टील का उपयोग करते हैं और हाई स्पीड स्टील का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग टूल स्टील के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर हम लोग टूल स्टील का उपयोग कर लेते हैं। और ज़्यादा परसेंटेज आप कार्बन अगर बढ़ा दें तो लगभग वो कास्ट आयरन की तरफ बढ़ने लगता है मेटल हमारा, तो ऐसे मेटल को हम डाई के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो उसे डाई स्टील के नाम से जानेंगे। देन आफ्टर कंपोजिट स्टील, अच्छा पहले यहाँ पे एक पॉइंट आपको हम बता दें विदाउट, मतलब पहले स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को, कि कंपोजिट मटेरियल क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट कंपोजिट मटेरियल। देखिए, जब दो या दो से अधिक मटेरियल को मिक्स करके उनका एक साथ उपयोग किया जाता है तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। व्हेन टू और मोर देन टू मटेरियल आर मिक्स, व्हेन टू और मोर देन टू मटेरियल, मोर देन टू मटेरियल आर मिक्स विथ एंड यूज्ड, अब ऐसे मटेरियल को हम लोग कंपोजिट मटेरियल कहेंगे। अब देखिएगा, जब कंपोजिट मटेरियल का उपयोग हम लोग करेंगे, सपोज करिए कि अगर हम लोग सिरेमिक और स्टील को एक साथ मिक्स कर दें तो दोनों का एक साथ एडवांटेज हमें मिलने लगेगा, सिरेमिक का भी और स्टील का भी। अब जो नया मटेरियल बनेगा
उस कंपोजिट मटेरियल की जो स्ट्रेंथ वर्केबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी होगी या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगी वो स्टील से भी हायर होगी और सिरेमिक से भी हायर होगी। तो कहने का मतलब बेटर एक्यूरेसी, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ और मशीनेबिलिटी के लिए हम दो या दो से अधिक मटेरियल को मिलाकर बनाते हैं, तो उन बेस मेटल से भी ज़्यादा बेटर हमारी इनकी प्रॉपर्टी होती हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए सपोज करिए कि ये हमारा स्टील हो जाए और ये हमारा सिरेमिक हो जाए। मान लीजिए दिस इज कॉल्ड स्टील एंड दिस इज या तो एल्युमिनियम कह लीजिए या सिरेमिक कह लीजिए, चलिए स्टील प्लस एल्युमिनियम। अब इन दोनों को मिलाकर ये जो नया मटेरियल हमने तैयार किया है इसी को कंपोजिट मटेरियल कहेंगे। इसकी स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी, देखिए स्ट्रेंथ कॉमा वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ वर्केबिलिटी ड्यूरेबिलिटी एंड लाइफ आर बेटर देन इंडिविजुअल मटेरियल। इन सब के इंडिविजुअल से भी बेटर होगी एंड बेटर देन इंडिविजुअल मटेरियल। अब हम बात करते हैं अपने कास्टिंग में जो मोल्ड कैविटी क्रिएट करते थे तो उसके लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कास्टिंग मोल्ड कास्टिंग मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले जब सैंड का उपयोग करते थे, पॉइंट वन, सैंड का उपयोग करते थे, वैक्स का उपयोग करते थे, तो इस तरीके के मोल्ड को हम लोग कैसा मोल्ड बोलते थे, टेम्परेरी मोल्ड बोलते थे या एक्सपेंडेबल मोल्ड बोलते थे। तो पहला जो हमारा यूज होता है, फिर से आई कैन रिपीट, एक्सपेंडेबल मोल्ड। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करते बताते थे यूज करते थे वो हम लोग कैसा यूज करते थे, परमानेंट मोल्ड, दैट मीन्स मोल्ड हमारा मोर देन वन टाइम्स आर यूज, दिस टाइप ऑफ मोल्ड इज कॉल्ड परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता था परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। देन नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते थे, लास्ट जो हम लोग बनाते थे वही हमारा इम्पॉर्टेंट, वो भी है, बहुत कम यूज किया जाता है लेकिन यूज करते हैं और वो हमारा कहलाता है कंपोजिट मटेरियल कास्टिंग। दैट मीन्स दिस इज द कंपोजिट मटेरियल एंड यूज्ड फॉर मेकिंग मोल्ड कैविटी, सो दिस टाइप ऑफ मोल्ड इज कॉल्ड कंपोजिट मटेरियल कास्टिंग। तो इतने सारे मटेरियल का उपयोग हम लोग करते हैं। अब आइए अपने टॉपिक पे हम आ जाते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं डाई कास्टिंग प्रोसेस। डाई कास्टिंग प्रोसेस में एक मेटैलिक डाई का हम लोग उपयोग करते हैं। अब इसके वन बाय वन प्रोसेस पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेटैलिक डाई हम लोग ग्रेविटी में भी यूज करेंगे, प्रेशर में भी यूज करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ग्रेविटी डाई कास्टिंग पढ़ लेते हैं फिर प्रेशर डाई कास्टिंग पढ़ लेते हैं। तो आइए पॉइंट वन हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग कैसी होती है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटी डाई कास्टिंग।
चलिए स्टार्ट किया जाए ग्रेविटी डाई कास्टिंग। ग्रेविटी डाई कास्टिंग में क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम एक डाई बना लेंगे किसी भी, इसमें बहुत कठिन स्ट्रक्चर की डाई नहीं बना पाएंगे, इजीएस्ट स्ट्रक्चर की डाई बनाते हैं, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर की बनाते हैं। सपोज करिए कि हम जो भी शेप अचीव करना चाहें, मान लीजिए कुछ इस तरीके का हम शेप अचीव करना चाहें अपने कास्टिंग में, ऐसा शेप जब हम अचीव करना चाहें तो हम पहले इस तरीके की एक डाई बनाएंगे। अब वो हॉलो डाई हमारी होगी, इस तरीके की एक हमारी हॉलो डाई होगी। ऐसे ऐसे हम लोग अपनी डाई बनाएंगे। अब ये डाई देखिएगा, ये जो बनी हुई है एक लेयर की बनी है और अंदर इसके हॉलो कैविटी क्रिएट की गई है। इस तरीके के हम लोगों ने डाई बना दिया। अब इस डाई के अंदर हॉलो कैविटी क्रिएट की गई है, इस हॉलो कैविटी पे यहाँ पे हम गेट बना देंगे। यहाँ पर ये हम लोग गेटिंग सिस्टम लगा देंगे और देन इस गेटिंग सिस्टम को हम लोग कनेक्ट कर देंगे स्प्रू से और स्प्रू को कनेक्ट कर देंगे ऐसे रनर से। इस तरीके से ये पूरा हमारा सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पर मोल्टेन मेटल इसमें हम लोग ऐसे फिल करके रखेंगे। अब ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ये मोल्टेन मेटल सेल्फ आएगा और इस मोल्ड कैविटी में क्या होगा, इस तरीके से फिल होगा, इस तरीके से फिल होगा। अब जब ये पूरा ग्रेविटी फोर्स से फिल हो जाएगा तो देखिए हम क्या करेंगे, ये मेटैलिक डाई हमारी तैयार हुई थी, दिस इज़ द मेटैलिक डाई, मेटैलिक डाई हमारी तैयार हुई थी। अब इस मेटैलिक डाई में जब मोल्टेन मेटल आया तो वो क्या करेगा, इसके अंदर पूरा भर गया। अब उसे ठंडे होने के लिए हीट रिलीज करना होगा, जब हीट रिलीज करना होगा तो इसका मतलब ये जो हमारा मेटैलिक डाई बना है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के इज़ वेरी हाई, यानी कि हाई थर्मल कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिव मटेरियल हम इसमें यूज करेंगे। तो इस तरीके के पूरे प्रोसेस को आप देखिए, हाई थर्मल कंडक्टिव है ये, यहाँ से हीट धीरे धीरे चारों तरफ रिलीज करेगा, जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इस डाई को ओपन कर लेंगे और ओपन करके इसको दो पार्ट, मान लीजिए एक पार्ट वन हो गया एक पार्ट टू हो गया, फिर इसको हम लोग ओपन करके अपने मेटल को बाहर कर लेंगे। तो इस तरीके के कास्टिंग प्रोसेस को हम लोग डाई कास्टिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसका मोस्टली उपयोग ऑटोमोबाइल के पिस्टन को बनाने के लिए किया जाता है। जो ऑटोमोबाइल का पिस्टन आप देखते हैं इस तरीके से हमारा पिस्टन बना होता है, देखिए इस तरीके से हमारा पिस्टन बना होता है, और यहाँ पर गजन पिन लगी होती है। तो इस तरीके से इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पर ये क्रैंक शाफ्ट होती है और ये लगातार इस तरीके से पिस्टन रोटेट करता है। ये जो हमारा स्लॉट कटा होता है यहाँ पर हमारी रिंग लगती है, यहाँ पर हमारी एक हमारी ऑयल रिंग लगती है और एक हमारी कंप्रेशन रिंग लगती है। तो इस तरीके से एक ऑयल रिंग का स्लॉट कट गया, देखिए ऐसा मटेरियल बना, इसके अंदर पिस्टन हमारा तैयार हो जाएगा।
तो इस तरीके से एक हमारी ऑयल रिंग और पिस्टन रिंग का स्लॉट कट गया। तो इसका उपयोग हम पिस्टन सिलेंडर को बनाने में करते हैं। तो सिंपल सा लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ग्रेविटी कास्टिंग इज यूज्ड फॉर, देखिए ग्रेविटी कास्टिंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग आईसी इंजन पिस्टन, है ना, पिस्टन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन इन मास प्रोडक्शन में करते हैं, इन मास प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, मोल्टेन मेटल इज पोर्ड ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स इन मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी मतलब डाई कैविटी, डाई का जो बनता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख देते हैं इसमें, मोल्टेन मेटल इज पोर्ड इनटू डाई कैविटी बाय ग्रेविटी फोर्स। ये हमारा होता है। अब चूंकि मेटैलिक डाई का उपयोग कर रहे हैं तो जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश होगा बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत हाई मिलेगा। तो हम कह सकते हैं हाई डिग्री ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश यूज्ड तो इस तरीके के इस पूरे प्रोसेस को डाई कास्टिंग कहते हैं। यह एक सिंपलेस्ट प्रोसेस होता है, मतलब इसे हम लोग सिंपल डिजाइन के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट या इंट्रिकेट डिजाइन के लिए यूज नहीं करते हैं। इट इज ओनली सुटेबल फॉर, इट इज ओनली सुटेबल फॉर इजीएस्ट या सिंपल डिजाइन, सिंपल डिजाइन। इट मीन्स नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट शेप। इट मीन्स नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट शेप। तो इस तरीके से इस पूरे कास्टिंग प्रोसेस को डाई कास्टिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ग्रेविटी फोर्स के माध्यम से कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा ग्रेविटी डाई कास्टिंग। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर डाई कास्टिंग। प्रेशर का हम लोग उपयोग करके इसी डाई में मोल्टेन मेटल को ग्रेविटी से नहीं भरेंगे, प्रेशर फोर्स लगाकर भरेंगे, तो उसे हम लोग प्रेशर डाई कास्टिंग के नाम से जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेशर डाई कास्टिंग, जिसमें पहले स्टार्ट करेंगे हॉट चैम्बर, देन स्टार्ट करेंगे कोल्ड चैम्बर। तो पहले हम लोग हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग स्टार्ट करते हैं, इसे रिमूव किया जाए। पहले हम लोग हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग पढ़ते हैं, फिर कोल्ड चैम्बर पढ़ लेते हैं।
चलिए स्टार्ट किया जाए अब अपना पॉइंट। हम लोग स्टार्ट करते हैं हॉट चैम्बर डाईकास्टिंग। देखिए हॉट चैम्बर डाईकास्टिंग, हॉट चैम्बर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मोल्टन मेटल हमारा इसमें रखा होता है वो एक ऐसे चैम्बर में रखा होता है जहां पर उसे हम हीट लगातार प्रोड्यूस करते रहते हैं। इट मीन्स वहीं पर उसे हम हॉट करते रहते हैं, फिर वहीं से डायरेक्ट मोल्टन मेटल को प्रेशराइज करके उस कैविटी में फिल करते हैं। कौन सी कैविटी में? जो हम मेटैलिक डाई की कैविटी बनाते हैं। मान लीजिए, ऐसा सपोज करिए कि हम एक किस तरीके की मेटैलिक डाई बना लें। सपोज करिए कि हम लोग एक मेटैलिक डाई, मान लीजिए ऐसी, एक डाई हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया, इस तरीके की एक डाई हम लोगों ने बना लिया। अब ये जो डाई हमारी बनेगी, ये सपोज करिए कि हमने एक डाई बना लिया, ये इस शेप का, देन आफ्टर सिमिलर एक इसी शेप का दूसरी डाई हमने बना लिया, सिमिलर एक दूसरी डाई हमने ऐसे बना लिया। अब क्या करेंगे? देखिए ये हमारी डाई हो गई, देन एक डाई को हम लोग फिक्स कर देंगे और एक डाई को मूवेबल बना देंगे। इस डाई को मान लीजिए हमने कर दिया फिक्स डाई और ये डाई हमने बना दिया मूवेबल डाई, मूवेबल डाई। मतलब ये डाई हमारी मूव कर सकती है और इसके अंदर सेपरेट कर सकती है। और यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एक कूलिंग सिस्टम बना दिया। सपोज करिए कि ये ट्यूब जाएगी और ऐसे इधर से एंट्री करेगा, इधर से एग्जिट करेगा, यहाँ से ये हो जाएगा वाटर कूलिंग सिस्टम। ये वाटर इधर से जाएगा कोल्ड वाटर और हॉट वाटर आएगा। हॉट इसलिए आएगा क्योंकि हम मोल्टन मेटल जो भरेंगे वो गर्म स्थिति में होगा, लिक्विड मोल्टन मेटल होगा। तो अब पहले इसके मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। इसको हम लोग मूवेबल डाई बना दिए, इसको हम लोग फिक्स डाई बना दिए। इस फिक्स डाई में हम लोगों ने क्या किया, एक पाइपलाइन बना दिया। ऐसे देखिए इस फिक्स डाई में हम लोगों ने एक कैविटी ऐसे बना दिया, इस तरीके से ऐसा बना दिया। यहाँ से एक हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्यूब को आगे की ओर गुजारेंगे। एक ऐसे मान लीजिए इस तरीके की एक ट्यूब ले जाएंगे, सपोज करिए ऐसी ट्यूब हमारी आगे आएगी, ऐसी ट्यूब हो गई। इस ट्यूब की कुछ थिकनेस होगी, इस ट्यूब की कुछ थिकनेस होगी। चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक दूसरी ट्यूब ऐसे पास कराएंगे, देन इसकी भी कुछ थिकनेस होगी, इसको यहाँ पे रोक देंगे, देन यहाँ पे हम एक चैम्बर बनाएंगे। जो चैम्बर की हम लोग बात कर रहे थे वो यहाँ पर एक चैम्बर बनाएंगे, ऐसा चैम्बर बनाएंगे, इस तरीके से एक हम लोग चैम्बर बनाएंगे। रुकिए, ये ट्यूब हमारी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो चैम्बर बनाएंगे वो कुछ ऐसा चैम्बर हमारा, देखिए इस तरीके का हम लोगों ने चैम्बर बना दिया। चलिए देन इस चैम्बर में हम अपने मोल्टन मेटल को फिल कर देंगे। मान लीजिए कि इसमें हम लोगों ने ऐसे यहाँ तक मोल्टन मेटल को ये पूरा फिल कर दिया,
इस तरीके से पूरे फुल मोल्टेन मेटल को हमने यहाँ पे फिल कर दिया। देन ये मोल्टेन मेटल क्या होगा, यहाँ भी ऐसे इसके अंदर भी फिल होगा, यहाँ तक और यहाँ तक, जहाँ तक ये पूरा फिल रहेगा यहाँ तक फिल करेगा। अब यहाँ पर हम एक इस ट्यूब के अंदर एक प्लंजर का उपयोग करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर एक प्लंजर लगाएंगे, ये हमने प्लंजर का उपयोग कर लिया। देन इस प्लंजर को ऐसे देखिए कनेक्ट कर दिया पिस्टन टाइप के डिजाइन से। इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये हमारा ये भी प्लंजर है और ये भी हमारा प्लंजर है, और किसके प्लंजर बने होंगे, एलॉय के बने होंगे। देन हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मैकेनिज्म देखिए, अब मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। जब यहाँ से इस प्लंजर पर हम लोग ऐसा फोर्स अप्लाई करेंगे, ऐसा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये प्लंजर इसको नीचे कंप्रेस करेगा, तो ये क्या करेगा, लिक्विड को ऐसा कंप्रेस करेगा, तो यहाँ से लिक्विड क्या होगा, ये पूरा क्लोज कैविटी है तो उसको ये कंप्रेस करेगा, तो देन यहाँ से लिक्विड राइज करके इसके अंदर आकर ऐसे कैविटी में फिल होना शुरू करेगा। फिर हम लोग इसको पीछे ले जाएंगे, फिर कंप्रेस करेंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर कंप्रेस करेंगे, तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये कंप्रेस कर देंगे पूरा, तो यहाँ पर ये मोल्टेन मेटल कम्प्लीटली इसके अंदर ऐसे फिल हो जाएगा। मोल्टेन मेटल फिल हो जाएगा। देन हम यहाँ से इसे ब्रेक करके हटा लेंगे, ये इतना नहीं, बहुत स्मॉल गैप होता है, बहुत स्मॉल गैप होता है। देन हम इसे ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद अब ये क्या होगा, इसे सॉलिडिफाई करेंगे, तो सॉलिडिफाई करने के लिए हमें कूलिंग रेट इंक्रीज करना होगा। कूलिंग रेट इंक्रीज करने के लिए देखिए चारों तरफ ये क्या करेंगे, वाटर जैकेट, इसके चारों तरफ वाटर जैकेट लगा देंगे, और एक तरफ से कोल्ड वाटर जाएगा तो वो वाटर इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो इसके हीट को अपने पास अब्जॉर्ब करेगा, फिर ये बाहर हॉट वाटर निकलेगा, तो जिससे कूलिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। देन यहाँ पर एक हाई स्ट्रेंथ का वर्क पीस प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर उसे हम क्या करेंगे, इस मूवेबल डाई को बाहर निकाल लेंगे और वर्क पीस को बाहर निकाल के फिर इस डाई को अंदर फिक्स कर लेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग बोलते हैं। हॉट इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि ये जो हमारा होता है इसी को हम लोग हॉट चैम्बर बोलते हैं। देन यहीं पे आप नोट देखिए, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पे कोल्ड चैम्बर के बारे में, तो पहले हॉट चैम्बर का स्पेसिफिकेशन हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कोल्ड चैम्बर का। तो इस पे देखिए ये मूवेबल डाई होता है और ये फिक्स डाई होता है, और उसके बाद जो ट्यूब लगे होते हैं वो सब इंसुलेटेड ट्यूब होते हैं, और उनका जो नाम होता है वो होता है गोजनिक पाइप। ये जो ट्यूब लगे होते हैं ये सब इंसुलेटेड ट्यूब होते हैं, ऐसा इंसुलेशन कर दिया जाता है। अब इंसुलेशन क्यों किया जाता है उसका भी रीजन आपको बता रहे हैं। इसे बोलेंगे इंसुलेशन पाइप। इंसुलेशन इसलिए किया जाता है ताकि ये मोल्टेन मेटल आए तो यहाँ से यहाँ तक आते वक्त ठंडा ना हो जाए। अगर ये हीट रिलीज करेगा तो मोल्टेन मेटल यहीं तक ठंडा होकर यहाँ पे जाम हो जाएगा, तो इस तरीके से मोल्टेन मेटल यहाँ तक आ नहीं पाएगा। तो हम मोल्टेन मेटल की फ्लूडिटी को बनाए रखने के लिए उसे हम ऐसा इंसुलेटेड पाइप का यूज करेंगे ताकि हमारा मोल्टेन मेटल ठंडा ना हो पाए, तो इसीलिए हम लोग इंसुलेटेड पाइप का उपयोग करते हैं। अब इस ट्यूब का जो नाम होता है, इस ट्यूब का नाम होता है गोजनेक पाइप, गोजनेक पाइप। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि गोजनेक पाइप का उपयोग हम किस कास्टिंग में करते हैं, तो हम लोग प्रेशर डाई कास्टिंग, यहाँ पे देखिए ये प्रेशर का हम लोग उपयोग कर रहे हैं मोल्टेन मेटल को इसमें फिल करने के लिए, इसीलिए इसका नाम होता है प्रेशर डाई कास्टिंग। तो इन दिस डाई कास्टिंग, या ऐसा देखिए, इन दिस प्रोसेस
प्लंजर आर यूज टू पुश द मोल्टन मेटल. प्लंजर आर यूज टू पुश द मोल्टन मेटल. मोल्टन मेटल विच इज फिल इन द डाई कैविटी. जो हमारा इस डाई कैविटी में पूरा कंप्लीट तरीके से फिल हो जाता है. तो इस तरीके से अब इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, यह हमारा सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है. देखिए, एक हाई मेल्टिंग एलॉय होते हैं और एक लो मेल्टिंग एलॉय होते हैं. लो मेल्टिंग एलॉय मतलब जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और हाई मेल्टिंग एलॉय मतलब जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होता है. तो ये याद रखिएगा, जिंक, टिन और लेड ऐसे मटेरियल होते हैं जो लो मेल्टिंग एलॉय होते हैं, उसका उपयोग हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के लिए करते हैं. रीज़न ये है कि यहाँ से मोल्टन मेटल को हम गर्म स्टेट में ही भेज रहे हैं, तो इसका उपयोग ये याद रखिएगा. देखिए, अगर हॉट है तो ये क्या होगा, लो मेल्टिंग एलॉय के लिए यूज किया जाएगा. It is suitable for low melting alloy material like that zinc, tin and lead. अगर हम इसमें हाई मेल्टिंग एलॉय एल्यूमिनियम जैसे यूज कर लें तो होगा क्या, एल्यूमिनियम यहाँ पे आएगा इस तरीके से और वो हीट को रिलीज करेगा, तो वो एल्यूमिनियम यहाँ इसके मटेरियल के साथ चिपकना शुरू करेगा, इसकी लेयर के साथ ऐसे चिपकना शुरू करेगा और पूरा एल्यूमिनियम अंदर नहीं जा पाएगा. देन जब ये लेयर के साथ चिपकने लगेगा तो ये इसे मोल्टन मेटल को इधर जाने से रेजिस्टेंस देने लगेगा, तो बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर अप्लाई करना होगा. देन इस तरीके से ट्यूब हमारी ख़राब हो जाएगी, तो बहुत बार यूज हम नहीं कर पाएंगे ट्यूब को. तो इसीलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या होता है, स्टिक कर जाता है. तो द टेंडेंसी ऑफ स्टिकिंग ऑफ एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम की स्टिकिंग टेंडेंसी की वजह से, चिपकने की टेंडेंसी की वजह से हम हाई मेल्टिंग एलॉय का उपयोग नहीं करते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नोट पॉइंट. बाय द टेंडेंसी ऑफ स्टिकिंग ऑफ एल्यूमिनियम विथ सरफेस ऑफ पाइप, सरफेस ऑफ ट्यूब, एल्यूमिनियम विथ ट्यूब सरफेस, ट्यूब सरफेस, हाई मेल्टिंग एलॉय आर नॉट यूज इन हॉट कैम्बर कास्टिंग. हाई मेल्टिंग एलॉय आर Not used in hot chamber die casting. Hot chamber die casting. तो इस तरीके से हम hot chamber die casting में high melting alloy material का उपयोग नहीं करते हैं. तो अब इसे write down करिए, फिर हम लोग next अपना discuss करेंगे cold chamber die casting process के बारे में. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग के बारे में. इसे राइट डाउन करिए, इस पूरे टॉपिक को राइट करिए, फिर इसे रिमूव करके कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं.
चलिए इसे रिमूव किया जाए, देन हम लोग इस डिस्कस करते हैं कोल्ड। चलिए हॉट को हटा देते हैं, केवल यहाँ पे लिख देते हैं कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, और यहाँ से इस हॉट चैम्बर को हम लोग हटा देते हैं, केवल इसमें हॉट चैम्बर को हटा देते हैं, ऐसा इसको बना देते हैं, और ये गोज नेक पाइप को भी हटा देते हैं, केवल इंसुलेटेड पाइप का उपयोग करते हैं। आप यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, ऐसा देखिए ये जो हम लोग मोल्टेन मेटल यूज़ कर रहे थे इस पाइप में, यहाँ पर ऐसा देखिए इस पाइप में मान लीजिए यहाँ पर एक पतला सा होल कर देंगे, देन इस पाइप को और आगे ले जाएंगे, देन इस तरीके से इसको पूरा कम्प्लीटली आगे ले जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने होल किया हुआ है ऐसे देखिए, ये हमने यहाँ पे एक होल किया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा आपको दिखा दें, देन यहाँ पर एक प्लंजर यूज करेंगे, जैसे सिमिलर इसके पहले हम लोग यूज करते थे, ये प्लंजर यूज करेंगे, इस प्लंजर को ऐसा कनेक्ट कर देंगे इस प्लंजर से। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर जो मोल्टन मेटल लाएंगे ये लैडल द्वारा लाएंगे, यहाँ पर हम लोग एक लैडल का उपयोग करेंगे, इस तरीके से एक लैडल का उपयोग करेंगे। अब ये लैडल हमारा क्या होगा, देखिए ये जो लैडल हमारा है ये मोल्टेन मेटल किसी बाहरी कंटेनर या टब या फर्नेस से लाएगा और इसमें केवल पोर किया जाएगा, तो इसीलिए इसे बोलते हैं कोल्ड चैम्बर, मतलब इसका हॉट चैम्बर कहीं और होगा। जब ये मोल्टेन मेटल इसके अंदर पोर करेगा, देन इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंप्रेस करेंगे, प्लंजर यहाँ तक आएगा, मेटल को कंप्रेस करेगा, फिर प्लंजर बाहर जाएगा, फिर ये गिरेगा, फिर इस तरीके से ये मोल्टेन मेटल को कंप्रेस करता रहेगा, तो इस तरीके के प्रोसेस से ये पूरा चैम्बर हमारा फिल हो जाएगा, तो इस चैम्बर को हम लोग बोलेंगे कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। सिमिलर सारा प्रोसेस वही रहेगा, फिर ये मूवेबल डाई को हटा लेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। कूलिंग रेट को बढ़ाने के लिए वाटर जैकेट का उपयोग किया जाता है, बाकी के सारे प्रोसेस आपको इसमें वही रहेंगे, केवल एक प्रोसेस चेंज हो जाएगा, जो हॉट कंटेनर इसके साथ जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पे हॉट कंटेनर न जोड़कर हम लोगों ने हॉट कंटेनर को कहीं और जोड़ दिया और केवल पोरिन बेसिन को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया लैडल को। इसका उपयोग देखिए कार्बोरेटर, क्रैंक, इस तरीके के मैकेनिज्म को बनाने के लिए किया जाता है। तो यूज ऑफ, ऐसे देख लीजिए, यूज ऑफ कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग इज मेकिंग मेकिंग फॉर किसको कार्बोरेटर, कार्बोरेटर कॉमा क्रैंक केस कॉमा फ्यूल इंजेक्शन क्रैंक केस कॉमा फ्यूल इंजेक्शन, तो इस तरीके से हम लोग क्रैंक केस फ्यूल इंजेक्शन पंप पार्ट फ्यूल इंजेक्शन पंप पार्ट कॉमा टूल एंड टूल में भी यूज करते हैं, और अच्छा जो टॉयलेट के कुछ फिक्स्चर्स वगैरह होते हैं, फिक्स्चर का मतलब जैसे हम लोग जो फ्लश वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ फ्लशिंग के लिए जो कुछ फिक्स्चर्स लगाए जाते हैं होल्ड करने के लिए, तो उनका भी उपयोग हम लोग कर लेते हैं। तो टॉयलेट फिक्स्चर एट्सेट्रा को बनाने के लिए कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग का उपयोग करते हैं।
मेनली इसका उपयोग हम क्या करते हैं, देखिए ये कोल्ड है, अगर हॉट होता तो लो मेल्टिंग एलॉय के लिए, कोल्ड है तो इसका मतलब हाई मेल्टिंग एलॉय के लिए इसका उपयोग हम करेंगे। तो इट इज़ यूज्ड फॉर हाई मेल्टिंग एलॉय वर्कपीस, इट इज सुटेबल फॉर हाई मेल्टिंग एलॉय वर्कपीस लाइक दैट एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय, मतलब इसका उपयोग हम लोग एल्यूमिनियम और उसके एलॉय के लिए करते हैं। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या कॉपर भी हो सकते हैं, लाइक एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कॉमा कॉपर एंड इट्स एलॉय, इन सभी के एलॉय का भी उपयोग हम लोग करते हैं। ये क्या होता है, हाई मेल्टिंग एलॉय होते हैं तो इनमें मतलब स्ट्राइकिंग टेंडेंसी हमारी कम होती है। तो अब ये यहाँ से आगे थोड़ा कोल्ड स्टेट में भी हो जाता है, फिर अंदर जाता है तो चिपकता नहीं है, तो इस तरीके के प्रोसेस को। अब इसमें देखिए दोनों में हम लोग किसका, वाटर जैकेट का उपयोग करते हैं कूलिंग के लिए, फॉर प्रोवाइड कूलिंग, रैपिड कूलिंग कह सकते हैं, कूलिंग नहीं रैपिड कूलिंग, तेजी से कूल करेंगे, फॉर प्रोवाइड रैपिड कूलिंग वाटर जैकेट आर यूज्ड, वाटर जैकेट आर यूज्ड, ये हमारा हो गया। वाटर जैकेट का उपयोग हम लोग करते हैं रैपिड कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, इसी वजह से हमारा जो वर्कपीस होगा वो हाई स्ट्रेंथ, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेट सरफेस फिनिश प्रोड्यूस करता है। सो वर्कपीस आर प्रोड्यूस्ड हाई स्ट्रेंथ कॉमा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड हाई सरफेस फिनिश तो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं बाय द यूज ऑफ कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसे पूरा राइट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं अपना इसी से रिलेटेड। अच्छा देखिए, मान लीजिए कभी एक क्वेश्चन आपका ऐसा पूछ ले, जैसे अगर ये वाटर जैकेट हम यूज कर रहे हैं तो क्या करेगा ये, अगर हम इसके इंटरमॉलिक्यूलर में जाना चाहें तो देखिए यहाँ की सरफेस पे वाटर तो पहुँच नहीं पा रहा है, वाटर इसकी बाहरी सरफेस को स्ट्राइक करेगा और बाहर की सरफेस को तेज़ी से हीट रिड्यूस करेगा, अंदर की सरफेस क्या होगी, धीरे धीरे हीट रिलीज करेगी।
तो हार्डनेस हमारी अपर सरफेस पे ज़्यादा बढ़ जाएगी, इनर सरफेस पे कम बढ़ेगी। तो और उसके बाद इसके जब जो ग्रेन स्ट्रक्चर हैं, हार्डनेस भी बढ़ जाएगी, उनके ग्रेन स्ट्रक्चर बहुत फाइन मिलेंगे, अपर सरफेस पे फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ड्यू टू रैपिड कूलिंग ऑफ अपर सरफेस ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग के अपर सरफेस की रैपिड कूलिंग अगर हम लोग करें, तो इसे नोट कर लेते हैं। चलिए इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। ड्यू टू रैपिड कूलिंग मतलब ये वाटर यूज करने से इसकी अपर सरफेस तेजी से कूल होगी। तो ऐसा देखिए, ड्यू टू रैपिड कूलिंग इसके जो बाहर के स्ट्रक्चर होंगे, आउटर सरफेस स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस फाइन ग्रेन, आउटर सरफेस स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस्ड फाइन ग्रेन फाइन ग्रेन होगी और स्ट्रेंथ भी इसकी हाई होगी, क्योंकि यहाँ की डक्टिलिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे डक्टिलिटी कम होगी। फाइन ग्रेन कॉमा हाई स्ट्रेंथ एंड हाई हार्डनेस, इसके हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ मैक्सिमम कार्बन पार्टिकल्स इसके सरफेस पर आ जाएंगे नियर द सरफेस एंड हाई हार्डनेस। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोड्यूस किया जाएगा कोल्ड चैम्बर डाइकास्टिंग। चलिए अब इसे नोट करिए, ये लैडल होता है, इसे ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं लैडल, है ना। इस तरीके से हमारा होता है। आगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक CO2 कास्टिंग जो बहुत ही ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक CO2 कास्टिंग। चलिए इसे रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं CO2 कास्टिंग। डाई कास्टिंग हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग CO2 कास्टिंग। चलिए आइए अब स्टार्ट किया जाए CO2 कास्टिंग। ये हमारी क्या होती है, देखिए इसमें हम लोग सोडियम सिलिकेट का उपयोग करते हैं, ऐसे समझिएगा, हम लोग सोडियम सिलिकेट आर यूज्ड इन दिस कास्टिंग, पूरा आपको मतलब बता रहे हैं, सोडियम सिलिकेट आर used in this casting। सोडियम सिलिकेट का मतलब ऐसे देखिएगा,
सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, इसका हम लोग उपयोग करेंगे जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कांटेक्ट में आता है। देखिए, सोडियम सिलिकेट हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो वो सिलिका के ऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। वो हमारा सिलिका के ऑक्साइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 बनाता है। इस तरीके से हम देखिए इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सिलिका वन पार्टिकल है, सिलिका वन पार्टिकल है, सोडियम टू पार्टिकल्स हैं, सोडियम टू पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन 3+2 5, 2+3 5। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बैलेंस है, कार्बन वन वन पार्टिकल्स। तो ऐसा देखिएगा, इसमें जब सोडियम सिलिकेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स कराते हैं तो वो यहाँ पे बनाएगा सिलिका जेल, इसे बोलते हैं सिलिका जेल। प्लस ये हमारा होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसमें समझिए कि सिलिका जेल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। सपोज करिए कि हमें बहुत ज़्यादा बड़ी कास्टिंग बनानी है, बहुत ज़्यादा लगभग 20 केजी से भी ऊपर की कास्टिंग बनानी है। देखिए, हम लोग जो बना रहे थे डाई कास्टिंग, वो लगभग 20 केजी तक की कास्टिंग के लिए सूटेबल होगा। लेकिन उससे भी एबव अगर हमें कास्टिंग बनानी हो तो उस समय मान लीजिए ऐसा हमें मोल्ड बॉक्स बनाएंगे। अब इस मोल्ड बॉक्स में यहाँ पे मान लीजिए हम लोग मोल्ड रखेंगे, चारों तरफ इसको हम लोग सैंड से रैमिंग कर देंगे। चारों तरफ हम लोग इसमें सैंड से रैमिंग कर देंगे इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, जब इस हम मोल्ड किसको अपने मोल्ड को बाहर निकालेंगे और जब इस मोल्ड का साइज बहुत ज़्यादा होगा तो ये सैंड के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि अपने बॉन्डिंग को मजबूत रखेगी। ये सैंड क्या हो जाएगी, टूट कर गिर जाएगी नीचे और ये पूरा मोल्ड बॉक्स ख़राब हो जाएगा। तो जब मोल्ड बॉक्स ख़राब हो जाएगा तो हमारी कास्टिंग पॉसिबल ही नहीं होगी। इसीलिए अपनी कास्टिंग को पॉसिबल करने के लिए जब इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाए तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये जो मोल्ड बॉक्स बनाते हैं, इस मोल्ड बॉक्स के चारों तरफ एक पाइप लगा देते हैं। ऐसे देखिए कई सारे ट्यूब लगा देते हैं। मान लीजिए ये ट्यूब लगा दिया, ये ट्यूब लगा दिया, इस तरीके से देखिए बहुत सारे ट्यूब ऐसे हम लोग लगा देते हैं। चारों तरफ इसके यहाँ हो गया, यहाँ पर भी ट्यूब लगा देंगे, इसमें इस सरफेस पर ऐसे हम लोग बहुत सारी ट्यूब को लगा देते हैं चारों तरफ से। अब ये क्या होगा, देखिए ये जो ट्यूब हम लोग लगाए हैं इस ट्यूब में CO2 गैस को इंटर करवाते हैं। CO2, ये CO2 गैस हमारी इंटर होगी चारों तरफ से, ऐसे CO2 गैस हमारी इसमें इंटर करेगी। अब इसमें क्या होगा, ये जो CO2 गैस इंटर करेगी तो इस मोल्ड के नहीं, इसमें मोल्ड हमारा रखा हुआ है, इसके चारों तरफ ये जो सैंड हमारी है इस सैंड के कांटेक्ट में आएगी। और यहाँ पर ये जो सैंड हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कौन सी सैंड यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग सोडियम सिलिकेट सैंड का यूज करेंगे। देन इस सोडियम सिलिकेट के साथ जब ये CO2 आएगा तो ये इसके साथ क्या होगा, रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ सोडियम सिलिकेट चारों तरफ भरा हुआ है। फिर जब ये CO2 आएगा तो देखें सोडियम सिलिकेट CO2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड बनाएगा या प्लस सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर जो ये सिलिका जेल बनेगा ये इसके चारों तरफ, ऐसे देखिए इसके चारों तरफ फैल जाएगा। ये जो सिलिका जेल बनेगा
इस मोल्ड के चारों तरफ फैल जाएगा। फिर हम लोग मोल्ड को बाहर निकाल लेंगे और ये सिलिका जेल क्या करेगा, इसकी बेटर हार्डनेस और सरफेस फिनिश देता है। इसकी स्ट्रेंथ हमारी हार्ड होती है, सिलिका जेल की स्ट्रेंथ लगभग इज इक्वल टू 1.2 मेगा पास्कल के अप्रॉक्स होती हैं। अब इसमें क्या होगा, 1.2 मेगा पास्कल तक हमारी सिलिका जेल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जिससे इस पूरे सैंड की स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज कर जाएगी। अब ये बहुत बड़ा हॉलो कैविटी आसानी से क्रिएट हो सकता है। फिर हम मोल्ड को बाहर निकाल के अंदर मोल्टन मेटल डालेंगे, ये सैंड हमारी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग CO2 कास्टिंग कहते हैं। जब वेरी लार्ज साइज कास्टिंग आर प्रोड्यूस्ड, वेरी लार्ज साइज कास्टिंग आर प्रोड्यूस्ड। अब इसमें क्या होगा, देखिए आप ये देख रहे हैं कि जब CO2 अंदर गया, इसके साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा और लगातार हम CO2 को अंदर भेजते रहेंगे तो क्या इसकी स्ट्रेंथ लगातार इंक्रीज करती जाएगी या एक समय के बाद इसकी स्ट्रेंथ हमारी रुक जाएगी। तो जब इसकी स्ट्रेंथ 1.2 मेगा पास्कल के अप्रॉक्स पहुँच जाएगी, उसके बाद अगर हम इसको CO2 प्रोवाइड करवाते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, स्ट्रेंथ हमारी अपने अपर यील्ड तक पहुंच चुकी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ऐसे देखिएगा, जब इसकी स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ, मोल्ड कैविटी की स्ट्रेंथ हमारी, मतलब अगर हम एक डायग्राम ऐसे खींचें, एक ग्राफ हम बनाएं, मान लीजिए ऐसा, और इस ग्राफ पे इधर हम लोग ले लें स्ट्रेंथ, सपोज करिए इधर हम लोग स्ट्रेंथ ले लें और इधर हम लोग ले लें CO2 गैस टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर का मतलब CO2 की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, तो जब CO2 की मात्रा बढ़ाएंगे तो इसकी हार्डनेस ऐसी जाएगी और यहाँ से जाने के बाद ये ऐसी चली जाएगी, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम हार्डनेस होगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी यहाँ पे होगी। इसके बाद ये स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। फिर हम CO2 को प्रोवाइड कराएं या ना कराएं कोई मतलब नहीं, लेकिन इससे पहले अगर हम केवल इतना CO2 प्रोवाइड करा दें और उसके बाद हम रोक देंगे तो हमारी हार्डनेस क्या मिलेगी, कम मिलेगी। हार्डनेस हमारी देखिए केवल इतनी मिलेगी, स्ट्रेंथ हमारी केवल इतनी मिलेगी, घट जाएगी। देखिए अभी यहाँ इतनी स्ट्रेंथ थी, यहाँ इतना प्रोवाइड कराएंगे तो स्ट्रेंथ हमारी इतनी हो जाएगी। तो इस तरीके से 1.2 मेगा पास्कल तक उसकी स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए हम लोग प्रॉपर CO2 गैस का प्रोवाइड करते हैं और लगभग 2-6% सोडियम सिलिकेट यूज करने पर यह अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है। 2-6% SI, देखिए सोडियम सिलिकेट यूज टू इंक्रीज इट्स मैक्सिमम हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। मैक्सिमम हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ यह 2-6% मतलब 2-6% हमारा सोडियम सिलिकेट मिला दें और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, सैंड रहेगा, तो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव कर लेगा। और इसका अगर एप्लीकेशन की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि सबसे बड़े थिक सेक्शन कास्टिंग को बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं थिक सेक्शन कास्टिंग, लार्ज सेक्शन को बनाने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं।
तो इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की ओर डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो केवल यही पूछ सकता है कि CO2 डाई कास्टिंग में किस किस इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं, या इसमें हम लोग और किसका यूज करते हैं, या किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो यह केवल और केवल लार्ज साइज कास्टिंग को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और लार्ज साइज में आपका मेटेलिक ऑब्जेक्ट ही होगा, नॉन मेटल तो होगा नहीं। तो इस तरीके से लार्ज साइज मेटेलिक ऑब्जेक्ट कास्टिंग के लिए किया जाता है। इसका स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछेगा कि सिलिका की स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो या तो 1.2 मेगा पास्कल या 1.4 भी कर दीजिए, 1.4 मेगा पास्कल के बराबर होती है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेंथ ऑफ सिलिका निकाल लेंगे, और रिएक्शन करा के ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिलिका जेल हमारी होती है, जब हम CO2 गैस प्रोवाइड कराते हैं तो सिलिका जेल बनती है, वो सिलिका जेल इस मोल्ड कैविटी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देती हैं। चाहे इसको हम लोग नोट पॉइंट करके भी लिख देंगे कि जब हम लोग सिलिका जेल प्रोवाइड कराएंगे तो वो सिलिका जेल हमारा मोल्ड कैविटी के कास्टिंग को, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो ऐसे हम लोग इसे चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं यहाँ से, या यहाँ पे लिख दें। इसे हम लोग रिमूव कर दें। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, व्हेन CO2 गैस प्रोवाइड इन मोल्ड कैविटी, ऐसे देखिए, व्हेन CO2 गैस प्रोवाइड इन मोल्ड कैविटी, देन CO2 गैस रिएक्ट विथ सोडियम सिलिकेट, देन CO2 गैस रिएक्ट विथ सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम सिलिकेट से रिएक्ट करेगी और सिलिका जेल बनाएगी, एंड मेड सिलिका जेल। सिलिका जेल, अब ये सिलिका जेल हमारा क्या होगा, इस पूरी मोल्ड कैविटी के चारों तरफ फैल जाएगा और मोल्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। देन द सिलिका जेल इज इंक्रीज दी स्ट्रेंथ ऑफ मोल्डिंग सैंड एंड मोल्ड कैविटी। तो इस तरीके से इस पूरे कास्टिंग प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, CO2 कास्टिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो CO2 का मेन उपयोग हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम सिलिका जेल को बना सकें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्लस कास्टिंग हमारी क्या होती है। स्लस कास्टिंग में देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि थिन हॉलो कैविटी प्रोड्यूस विदाउट यूजिंग कोर, बिना कोर का उपयोग किए हम क्या करेंगे, हॉलो कैविटी को प्रोड्यूस कराते हैं और पतले थिन मेटैलिक ऑब्जेक्ट की कास्टिंग इसमें करते हैं। तो इसका देखिए थोड़ा सा दो लाइन का आप देख लीजिए, जो एक क्वेश्चन केवल यही लाइन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेकिन ये देख लीजिए कि ये इसको कैसे बनाया जाता है, इसका हम लोग फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो देख लीजिए।
चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लश कास्टिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्लश कास्टिंग। देखिए स्लश कास्टिंग में क्या होता है, जैसे पतले ऑब्जेक्ट में अगर हमें हॉलो कैविटी क्रिएट करनी हो तो हम पैटर्न में ही हॉलो कैविटी बना लेते हैं और उस पैटर्न में मोल्टन मेटल को डालते हैं तो वहाँ पर पतला सा हॉलो कैविटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरीके से हम ऐसा बना लेते हैं, जैसे सपोज करिए इन दिस कास्टिंग हॉलो पैटर्न कैविटी आर यूज्ड used to produce hollow cavity in thin section. पतले सेक्शन में हॉलो कैविटी बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन दिस कास्टिंग नो कोर आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूस हॉलो कैविटी, है ना। इन दिस कास्टिंग नो कोर आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूस ए हॉलो सेक्शन इन कास्टिंग। तो इस तरीके की कास्टिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लश कास्टिंग बोलेंगे। कैसे बनाते हैं, सपोज करिए कि हमें इस तरीके की एक प्लेट बनानी हो, मान लीजिए ऐसी प्लेट बनानी हो। अब इसमें देखिए इस तरीके की प्लेट हमने बनानी हो जिसमें ये प्लेट की थिकनेस है और यहाँ पर एक होल है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा पहले से एक मेटालिक ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे। मान लीजिए कि हम लोग अगर इसे 3D में देखें, 2D में देखें, तो इस तरीके का एक पैटर्न तैयार करेंगे। अब इस तरीके का जो हमने पैटर्न तैयार किया, इसके चारों तरफ यहाँ मोल्टन मेटल हम लोग फिल कर देंगे। जितना थिकनेस इसे बनाना होगा उतना मोल्टन मेटल ये हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अब ये जब आप टॉप से देखेंगे तो ये कुछ हमारा सर्कुलर दिखाई देगा और यहाँ पर ये हमारी क्या हो जाएगी, रॉड हो जाएगी। ये मोल्टन मेटल इसके चारों तरफ ऐसे फिल रहेगा, मोल्टन मेटल फिल रहेगा। देन कुछ देर बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉलिडिफाई कर लेंगे और यहाँ से इस प्लेट को बाहर निकाल लेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, एक हॉलो कैविटी मिल जाएगी। तो इस तरीके की कास्टिंग को हम लोग स्लश कास्टिंग कहते हैं। देखिए हमने कोई कोर का यूज नहीं किया, केवल इस पैटर्न का यूज किया। या हम लोग ऐसा भी यूज कर सकते थे, पैटर्न को थोड़ा सा ऐसा उभरा हुआ सेक्शन बना देते हैं, इस तरीके का भी। तो भी अब क्या होगा, यहाँ पे मोल्टन मेटल आएगा और इतना ही मोल्टन मेटल फिर कर पाएगा, उसके बाद यहाँ पे हॉलो कैविटी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसी कास्टिंग को हम लोग स्लश कास्टिंग के नाम से जानते हैं। इसके बारे में देखिए, यह केवल लो मेल्टिंग पॉइंट नॉन फेरस मटेरियल के लिए उपयोग किया जाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट
non-ferrous material, low melting point, non-ferrous material, या low melting point, non-ferrous, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट हमारा वर्क पीस रहेगा और कैसा रहना चाहिए, नॉन फेरस। फेरस मेटल होगा तो वो क्या होगा, वो जल्दी से स्ट्राइक कर जाएगा, तो इस तरीके से वो हमारा सूटेबल नहीं हो पाएगा। इसमें कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कि जो टाइम हमारा होता है, टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन, वो किसके बराबर होता है, तो आपको वही पुराना राइजर और गेट वाला टाइम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जब ये सॉलिडिफाई हो रहा होगा तो ऐसा पूछ सकता है टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं TS की, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ वर्क पीस। जितना थिकनेस ज़्यादा होगी उतना सॉलिडिफिकेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा। इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ प्लेट। अब प्लेट या वर्क पीस हम इसमें बनाते हैं तो इस तरीके से कह सकते हैं, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं टी प्रोपोर्शनल वी अपॉन ए का स्क्वायर, वेयर वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग एंड ए इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग, वेयर वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग एंड ए इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग। सरफेस एरिया मैंने निकालने आपको बताया ही था, सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग, तो इस तरीके से ये हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम हो जाएगा। अब इसको हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं कुछ डेकोरेटिव पार्ट्स, एलॉयस और टॉयस, यानी खिलौने वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका उपयोग हम लोग, जैसे देखिएगा अगर इसके यूज की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, तो जैसे ऑर्नामेंट्स, मतलब गहने में कुछ ऐसे भी ऑर्नामेंट्स में कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट होते हैं जो छोटे छोटे और हल्के हल्के छिद्र टाइप के होते हैं, तो उनको हम लोग इस कास्टिंग मेथड से बना लेते हैं। तो मतलब ऑर्नामेंट में पूरे ऑर्नामेंट की कास्टिंग नहीं करते हैं, ऑर्नामेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का उपयोग करते हैं, ये थोड़े से छोटे ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। कुछ खिलौनों के बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, कुछ डेकोरेटिव पार्ट्स को बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो अगर हम लोग इसके यूज की बात करें तो इसका उपयोग हम लोग ऐसे देखिए, दिस कास्टिंग इज यूज्ड फॉर स्लश कास्टिंग इज यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट्स कॉमा टॉयस। ऑर्नामेंट्स मतलब गहने हमारे हो गए, और टॉयस मतलब खिलौने हो गए, कॉमा डेकोरेटिव पार्ट्स मतलब कुछ सजावट के सामान को बनाने के लिए। अच्छा, लैंप शेड वगैरह भी बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, कॉमा लैंप शेड एंड लैंप शेड एट्सेट्रा। तो इस तरीके से ये हमारी कंप्लीट होती है स्लश कास्टिंग। ये बस छोटी कास्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इन सब में अगर क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाएगा तो मेन इस लाइन को याद रखिएगा कि यह हमारा थिन सेक्शन हॉलो कैविटी के लिए उपयोग किया जाता है और विदाउट कोर का उपयोग किया जाता है। और अगर थिन सेक्शन दूसरा जो हमारा बनता है वो हमारा सेल, देखिए सेल और स्लश में डिफरेंस, मतलब कन्फ्यूजन आपका बन सकता है, लेकिन ये जानिएगा कि जब सेल बनेगी तो सेल मतलब अंदर क्या बनेगी, हॉलो कैविटी बनाना होगा, तो वहाँ पर हम कोर का उपयोग करेंगे और स्लश कास्टिंग में हम लोग कोर का उपयोग नहीं करेंगे। तो अब देखिए ये हमारी इतनी कास्टिंग हो गई। नेक्स्ट हमारी जैसे वैक्यूम कास्टिंग क्या है, कॉन्टीन्यूअस कास्टिंग क्या है, और सेंट्रीफ्यूगिन, डाई, स्क्वीजी, सिरेमिक, ये।
तो अब देखिए थोड़ा सा वैक्यूम कास्टिंग के बारे में आपको समझा देते हैं। वैक्यूम का मतलब ये होता है कि यह एंटी ग्रेविटी टाइप कास्टिंग सिस्टम होता है। एंटी ग्रेविटी टाइप कास्टिंग सिस्टम, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो हम वैक्यूम चैम्बर का उपयोग करेंगे और उस वैक्यूम चैम्बर को जब मेटेलिक कोर में डिप कराएंगे तो वहाँ पर मेटल ऑटोमेटिक ऊपर की ओर सक करेगा, तो वहाँ पर मेटल पूरा फिल होकर भर जाएगा। तो ऐसी कास्टिंग को हम लोग वैक्यूम कास्टिंग के नाम से जानते हैं। चलिए उसका एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं वैक्यूम कास्टिंग के बारे में ये क्या होता है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वैक्यूम कास्टिंग प्रोसेस। इसे हम लोग एंटी ग्रेविटी कास्टिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं या काउंटर ग्रेविटी का प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसे बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी ग्रेविटी कास्टिंग सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी ग्रेविटी कास्टिंग सिस्टम। एंटी ग्रेविटी कास्टिंग प्रोसेस। एंटी ग्रेविटी का मतलब मोल्टेन मेटल ग्रेविटी फोर्स के विपरीत चलता है, है ना। कैसे चलता है वो हम आपको देखे बना के दिखाते हैं। सपोज करिए इसमें क्या होता है, एक हमारे पास कंटेनर हमने ले लिया, इस तरीके का एक हमने कंटेनर ले लिया। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इस कंटेनर में मान लीजिए यहाँ हमने मोल्टन मेटल भरा है, अब ये मोल्टन मेटल अपने लिक्विड स्टेट में इसी जगह मेल्ट होकर गर्म होता है। और वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस तरीके की इलेक्ट्रिक फर्नेस का उपयोग कर लेते हैं, जो इंडक्शन फर्नेस हमारी होती है। यहाँ पर भी ये जो हम लोग यूज करते हैं इसे बोलेंगे इंडक्शन फर्नेस। ये फर्नेस लगातार जलती रहेंगी और यहाँ के मोल्टन मेटल को हीट करती रहेंगी। ये तो हमारा सिंपल सा फंडा हो गया आपका इसके लिए, किसके लिए, मोल्टन टब के लिए। ये सॉलिड प्लेट होती है, इस तरीके से होता है। अब इसके ऊपर हम जिस कैविटी का मटेरियल बनाना चाहें, सपोज करिए कि हमें कुछ मान लीजिए जो कैविटी हमें तैयार करनी थी उस कैविटी को हम यहाँ पे बना लें। जिस भी कैविटी को हमें प्रोड्यूस करनी हो उस कैविटी का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। इस तरीके से जो भी कैविटी हमें प्रोड्यूस करनी होगी
उसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। चलिए कैसे बनाएंगे वो देखिए। सपोज करिए कि हमें ऐसी ग्रेविटी प्रोड्यूस करनी है, ऐसी ग्रेविटी प्रोड्यूस करनी है और इसे हम लोग ऐसा रखते हैं, मतलब सर्कुलर सिलेंड्रिकल टाइप का हम लोग रखते हैं। इसमें मान लीजिए इसे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गेट दे देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार होगा। और ये ऐसा पूरा मान लीजिए ऐसा कास्टिंग प्रोसेस है। इसमें थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको कुछ लाइन चेंज करके आपको दिखा देते हैं। इस पार्ट को थोड़ा सा हम लोग ऐसे चेंज कर देते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा हमारा है। अब इसमें क्या होगा ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे ये वैक्यूम हमने क्रिएट कर दिया, वैक्यूम चैम्बर मान लिया हमने, वैक्यूम चैम्बर। देन आफ्टर क्या होगा, ये हमारा हो गया गेट, गेट हो गया। ये सब हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये सब सॉलिड पार्टिकल्स हैं। इसको हैंग करने के लिए बने हुए थे। इसको मान लीजिए यहाँ से ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से ऐसा कनेक्ट कर दिया ताकि ये आसानी से हैंग होके नीचे आ सके। अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, देखिए ये पोरिन बेसिन है, यहाँ पर ये हीट हो रहा है इंडक्शन फर्नेस से। हीट होने के बाद अब ये मोल्टन मेटल को जब इसको हम लोग ऐसे डिप करेंगे, इस पूरे सिस्टम को डिप करेंगे, तो ये गेट क्या होगा पूरा यहाँ पर डिप हो जाएगा। सेकेंड स्टेज में देखिए क्या होगा, सेकेंड स्टेज में ये मान लीजिए हमारी बन जाएगी इंडक्शन फर्नेस इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग अपना इंडक्शन सिस्टम यूज कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना इंडक्शन सिस्टम, ये हमारा इंडक्शन फर्नेस इसके अंदर लगेगा। 1, 2, 3, ज़रूरी नहीं कि 3 लगाएं आप, 4 भी, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा इसका उतनी ज़्यादा इंडक्शन फर्नेस आप लगा सकते हैं। जब आप इसे 3D में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा और ये फर्नेस हमारी कुछ इस तरीके से ऐसी लगी होगी, ऐसी फर्नेस लगी होगी ताकि पूरे मोल्टन मेटल को मेल्ट कराती रहे। देन आफ्टर ये हमारा क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग 2D में ही अभी देखते हैं। आप सपोज करिए कि इस लेवल तक मोल्टन मेटल हमारा इसमें फिल था, ये जो लेवल तक हमारा मोल्टन मेटल ये फिल था, मान लीजिए वो इस लेवल तक फिल था, जब हम इसको नीचे डिप कराएंगे तो कंडीशन हमारी कैसी होगी, ये गेट हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऐसा। मान लीजिए ये पूरा गेटिंग सिस्टम हमारा ऐसा आ जाएगा, गेट ऐसा आ जाएगा। उसके बाद इसके जो अपर क्रॉस सेक्शन का है वो कुछ ऐसा डिजाइन बन जाएगा, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ ऐसी डिजाइन परफॉर्म करेगा। ऐसी डिजाइन देन आफ्टर देखिए, ये तो हमारा इस क्रॉस सेक्शन को बना लिया, इसके अंदर ये जो हमारी हॉलो कैविटी थी ये बनी रहेगी, इस तरीके का डिजाइन हमारा बना रहेगा। अब यहाँ पर इसका जो थिकनेस था ये मान लीजिए ऐसे इसको होल्ड करके यहाँ से आगे जाएगा और ऐसे बनेगा। देन आफ्टर ये हमारी सेप्ट हो जाएगी इसे बाहर रिमूव करने के लिए। अब इसमें क्या होगा, देखिए अंदर वैक्यूम भरा था, इंटरनल प्रेशर हमारा
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो था। तो जब इसके कांटेक्ट में आया और गेट को हमने जैसे ओपन कर दिया तो ये मोल्टेन मेटल क्या होगा, ऐसे ड्यू टू लो प्रेशर इसके अंदर राइज करके पूरा इस चैम्बर में क्या होगा, भरने लगेगा, इस चैम्बर में कम्प्लीटली फिल कर जाएगा। जब इस चैम्बर में फिल कर जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे, फिल करने के बाद अभी अंदर तो जाएगा नहीं, फिर इसे यहीं पे हम लोग सॉलिडिफाई कर लेंगे। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन सिमिलर इस तरीके का ऑब्जेक्ट हमें तैयार हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्ट कैसा तैयार होगा, देखिए ऐसा हमारा ऑब्जेक्ट तैयार होगा। जिस तरीके का डिज़ाइन हमने दिया था, यहाँ कुछ और डिज़ाइन चाहिए होगी तो जो डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन हम इसमें प्रोड्यूस करा देंगे, तो ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट हमें तैयार हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग काउंटर ग्रेविटी कास्टिंग या एंटी ग्रेविटी कास्टिंग या हम लोग बोलेंगे वैक्यूम कास्टिंग के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को हम लोग काउंटर ग्रेविटी कास्टिंग, दिस इज नोन एज known as काउंटर ग्रेविटी कास्टिंग, काउंटर ग्रेविटी कास्टिंग। अब इसमें क्या होगा, इन दिस कास्टिंग वैक्यूम चैम्बर आर यूज्ड, उसी टाइप का वैक्यूम चैम्बर बनाएंगे जिस टाइप का हमें मोल्ड तैयार करना होगा। इन दिस कास्टिंग वैक्यूम चैम्बर आर यूज्ड। अब उसके बाद इंडक्शन फर्नेस आर यूज, देखिए ये जो हम लोग मोल्टेन टब का यूज कर रहे हैं उसमें इंडक्शन फर्नेस लगी होगी, तो इन बिटवीन मोल्टेन बॉक्स, जो मोल्टेन बॉक्स होगा उसके अंदर ही इंडक्शन फर्नेस लगी होगी, इंडक्शन फर्नेस आर यूज, इंडक्शन फर्नेस आर यूज टू प्रोवाइड हीट एंड मेल्ट द मोल्टेन मेटल, टू प्रोवाइड हीट एंड मेल्ट द मोल्टेन मेटल, मोल्टेन मेटल। व्हेन, देखिए जब हम गेट को इसमें डिप कराएंगे, व्हेन गेट आर डिप एंड ओपन देन द मोल्टेन मेटल इज कैरी विथ काउंटर ग्रेविटी, व्हेन गेट इज डिप इन मोल्ड कैविटी मोल्टेन मेटल and open the gate, और गेट को हम ओपन करेंगे, then molten metal rise in mold cavity counter gravity, then molten metal राइज इन मोल्ड कैविटी एज एंटी ग्रेविटी सिस्टम। एंड देन कास्टिंग आर कंप्लीटेड। सो कास्टिंग आर कंप्लीटेड। इसमें अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछा जा सकता है कि वैक्यूम कास्टिंग में
वैक्यूम का हम लोग उपयोग करेंगे तो यस, विदाउट वैक्यूम हम लोग मोल्टन को यूज ही नहीं करेंगे। वैक्यूम कास्टिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो इट इज नोन एज एंटी ग्रेविटी कास्टिंग, क्योंकि ये ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर डायरेक्शन में राइज करता है। इट इज नोन एज काउंटर ग्रेविटी सिस्टम, और इसमें जो हम लोग मोल्टन मेटल को गर्म करते हैं वो इंडक्शन फर्नेस के माध्यम से गर्म करते हैं। तो मोर देन सफिशियंट क्वेश्चंस आर पुट अप इन दिस, तो इतना ही आ सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन की संभावना नहीं बनेगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट हम लोग क्लास में आपको अपने इस कास्टिंग से रिलेटेड, जैसे हमारा देखिए कॉन्टिन्यूस कास्टिंग बचा हुआ है, मतलब एक बहुत बड़े सिलेंड्रिकल रॉड को बनाने के लिए उपयोग करेंगे। फिर सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल बताएंगे, जो हमारा पाइप, ये जो हमारा जैसे हम लोग पानी वगैरह स्टोर करते हैं टैंक में, तो उस टैंक को बनाने के लिए उस प्रोसेस का उपयोग करते हैं। फिर ये सारी कास्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो हम आज का लेक्चर अपना यहीं पर ब्रेक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी हमारी बची हुई कास्टिंग के साथ में। थैंक यू।